एक सवाल यह है कि क्या हमारा सीए का इंस्टीट्यूट जो है क्या हमें विलिंगली फेल करता है जस्ट टू मेंटेन ए कोटा, एक पासिंग रेशियो मेंटेन करने के लिए क्या यह होता है? एंड दूसरा, क्या ये 49 50 जो 48 मार्क्स वाला होता है, क्या इनको ज़बरदस्ती रोका जाता है बेसिकली कि यार 50 हो सकते थे लेकिन इनको रोका गया है 48 पे 49 पे कि अगली बार अटैम्प्ट दें? और इसी से लिंक करता है फर्स्ट क्वेश्चन से, क्या है रेशियो मेंटेन करने की कोशिश है? ये सवाल एक बार नहीं, मुझसे कोई 100 बार पूछा गया होगा। तो देखो, मेरा अपना फेलियर का जो है हिस्सा वो एक पेपर का ही है। तो समबडी कैन से यार तुमने फेलियर देखा ही नहीं है, हाउ कैन यू जज कि यार कोटा है या नहीं या सबको पास करता है नहीं, समबडी कैन से दैट राइट। लेकिन भाई एक फेलियर मैंने भी देखा है अपनी सीए की जर्नी के अंदर, और मैंने ऐसे पेपर भी देखे हैं जो मुझे लगता था शायद पास ना हों लेकिन वो पास हो गए। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल पास ना हो, बट आई वॉज इन मिडल डाउट, और जो मुझे लगता था पेपर श्योर हैं वो पास हो गए मेरे। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, ठीक है। तो मैं अब इस पर कुछ चीज़ें ओपिनियन दूंगा, ऑफ कोर्स आई एम नॉट इनसाइडर कोई, एंड आई डोंट अग्री विथ स्टार्टिंग स्टेटमेंट यही है, आई डोंट अग्री विथ दिस स्टेटमेंट कि कोई कोटा है, कोई पासिंग रेशो है, वो डिमांड सप्लाई है बेसिकली, नो आई डोंट अग्री विथ दैट। तो ये मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट है, एंड आई विल गिव माई थाट्स, ऑफ कोर्स एनीबडी कैन हैव डिफरेंट थाट्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात यह है कि जब बच्चा फेल होता है तो पहले दिमाग में यही आता है कि यार मैंने सब कुछ सही किया था और इंस्टीट्यूट ने मुझे फेल कर दिया। अच्छा, अब वहाँ पे ये आता है कि लोग सोचने में लग जाते हैं कि यार इंस्टीट्यूट हमें पास ही नहीं कर रहा, हमने इतनी मेहनत की हमें पास नहीं कर रहा, ठीक है। तो लोगों की सोच होती है ये, क्योंकि मेहनत हर कोई करता है, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो पेपर के लिए पढ़ाई ना करे। क्वालिफिकेशन में आए हो तो पढ़ाई करोगे, लाजमी बात है, यू हैव टू क्वालिफाई, यू वॉन्ट टू क्वालिफाई, ऐसा कोई नहीं होगा जो पास नहीं करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जब ब्लेम वहाँ पे चला जाता है कि इंस्टीट्यूट ने किया, देन वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई अवर मिस्टेक्स। अब मसला पता है क्या है? अब मसला ये है कि इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे, हम आते हैं ना जो एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं यूजुअली, इवन जो यूनिवर्सिटी से आते हैं वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सीए हो गया आपका, एसीसी हो गया, सिम्मा हो गया, इस तरह की क्वालिफिकेशन का एक अलग ही स्टैंडर्ड है। अब अलग स्टैंडर्ड से मैं बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि दे रियली वॉन्ट प्रोफेशनल जो एक आउटसाइड वर्ल्ड के लिए बना हो। लेट्स से मैं ऑडिट सब्जेक्ट की बात करता हूँ, लोग फेल होते हैं ऑडिट में, बहुत सारे लोग फेल होते हैं बिकॉज एक कोर रीज़न जो है ना उसमें लिखना नहीं आता लोगों को, दे कांट राइट, समबडी कैन यू नो कोई कॉपी कर लेता है स्टैंडर्ड की चीज़ें, उसको यू नो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके। द की हेयर इज़ टू राइट एंड टू पास। अब बंदा फेल क्यों होता है? ये उसने उस तरह लिखा ही नहीं जो एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में जो एक एग्जामिनर जानना चाहता है कि यार बंदा कैसे लिखता है, हाउ ही इज़ गोइंग टू शी इज़ गोइंग टू राइट इन दी फ्यूचर। एक प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर नहीं लिख पाया तो फेल हो गया। अच्छा, अब बंदे ने बोला यार मैंने तो वही किया था जो स्टैंडर्ड्स में लिखी हुई थी चीज़ें, आयजा वगैरह में थी, मैंने वो लिख दी और मैंने उसको अमेंड कर दिया, ये वो मेरा सही है, लेकिन थिंक दैट वॉज आस्ट वो आपने नहीं की बेसिकली, तो वहाँ पे आप फेल हो गए। अच्छा, उस टाइम पे आपने यही सोचा कि यार मेरा तो सब कुछ अच्छा हो गया था लेकिन क्यों नहीं पास हुआ? तो वहाँ पे यू नेवर ट्राई टू आइडेंटिफाई दी इशू, एक्चुअल इशू, बिकॉज जब आप नहीं सोचोगे खुद के बारे में कि यार मेरी डेफिशिएंसी थी, यू कांट इम्प्रूव, ठीक है। इफ़ यू जस्ट से कि यार डिमांड सप्लाई का इशू है एंड दे डिड नॉट पास मी, तो ऑफकोर्स यू कांट इवन आइडेंटिफाई योर इशूज़। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज़ लिंक करूँ, एक मैंने वीडियो बनाई थी एंड मैं इसकी लिंक शेयर कर दूँगा कमेंट्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन में, कि रीजंस ऑफ फेलियर एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। बेसिकली 8 से 10 रीजंस मैंने बताए थे जो हैवी रीजंस हैं कि बंदा एक अकेडमिक बैकग्राउंड से आकर जो इस क्वालिफिकेशन में आता है वो फेल होता है, उसके एक रीजंस हैं। तो वो आप वीडियो देखना लाजमी, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, अब बात करूँ मैं इंपॉर्टेंट बात जो लोगों को डिमांड सप्लाई का गेम है, ठीक है। तो देखो, अब एक आप ऑनेस्टली बताना, जो व्यूअर्स आप देख रहे हो मुझे ऑनेस्टली बताओ, डिमांड और सप्लाई अभी क्या थी और बहुत पहले क्या थी? लेट्स से 6 ईयर्स बैक जब मैंने स्टार्ट की थी, जब मैंने सीए अपनी की थी, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या सीन था? उस टाइम पे आपकी सप्लाई बहुत कम थी, ठीक है, डिमांड थी और भी, ठीक है, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे जो परसेंटेज था ना वो काफ़ी कम था। मुझे याद है जिस सर्टिफिकेट जिस पेपर में मेरा कंट्री लेवल का जो पोजीशन थी वो 13% था सिर्फ पासिंग रेट, आउट ऑफ एवरी 7% वाज ओनली 1 पास। तो उस टाइम पे ये था, हालांकि उस टाइम पे डिमांड थी लेकिन बच्चे वही पास कर पाते थे। अभी तो डिमांड कम है बिकॉज देयर इज अ ह्यूज सप्लाई, लेकिन आप पासिंग परसेंटेज देखो रिसेंटली इट हैज़ मैसिवली इंक्रीज्ड। तो भाई लोग पास कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि यार उतने लोग पास कर रहे हैं, कम लोग पास कर रहे हैं। जैसे जैसे ease of exams हुआ है ओवर लास्ट 5 to 6 ईयर्स, आप देखोगे अगर किसी को पूछोगे जिसने
एग्ज़ाम्स पास की मैं दिए हैं, जो चल रहा है उसको पता चलेगा इट हैज़ बीन वेरी ईजी। लोग पास कर रहे हैं तो आसान हुआ है पहले से, कोई डिमांड सप्लाई का गेम नहीं है मेरी नज़र में। और ऐसा नहीं है कि डिमांड सप्लाई मेंटेन करने के लिए किसी कंट्री के अंदर ही सीए को काम करना है, इसी चीज़ को काम करना। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भरी हुई है दुनिया में, कितनी फर्म्स हैं, कितनी कंपनीज हैं, कितने लोग मोबिलिटी पर जाते हैं। मैं खुद यूके में बैठा हुआ हूँ तो मेरा कोई डिमांड सप्लाई पर वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो ये गेम छोड़ दो कि भाई डिमांड सप्लाई का सीन है, इट्स मोर ऑफ कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे अपने मसले एंड देन यू डोंट वांट टू करेक्ट। आई डोंट वांट टू से इट नेगेटिवली बट दिस इज़ ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जो आइडेंटिफाई नहीं करते। भाई पेपर दिया, बहुत अच्छा किया, समझ आया जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन वही कि आपने ऐसी गलतियाँ कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। अब बात जो की यार 48, 49 पे जो फेल होता है बंदा, क्या वो जानबूझ के किया जाता है? अगेन डिमांड सप्लाई से लिंक ही है बात, लेकिन देखो इस तरह के क्वालिफिकेशंस में नहीं होता है इस तरह कि आपको खाम खा आपको एक मार्क ज़्यादा भी दिया जाए और एक मार्क कम भी दिया जाए। यूनिवर्सिटी में बड़ा आसान होता है, अगर आप फेल हो रहे होते हो टीचर आपको 5 मार्क्स दे देते हैं, भाई पास हो जाओ यार, तू पास हो जा, खुश हो जा। लेकिन सीए या एसीसीए इस तरह के क्वालिफिकेशन में गेम ही नहीं है, तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि यार आप कम पेपर करके आओगे और आपको सामने वाला एग्जामिनर आपको बोलेगा यार नहीं कर लेते हैं इस बार, अगर 100 लोग पास हो रहे हैं और एवरेज 150 लोग पास होते हैं तो यार चलो 10 लोग वो कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसकी जो एक चीज़ जो डिफर करती है वो आपका जो एग्जामिनर होता है ना वो कौन है बेसिकली ना, वी डोंट नो कौन है, लेकिन सम कैन बी वेरी टफ, सम कैन बी लिटल लीनियंट, तो वो आई डोंट नो किस तरह कौन होगा, क्या होता है आपके अटेम्प्ट में बेसिकली, बट उससे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। चेकिंग कैन बी स्ट्रिक्ट बट सब वो क्राइटेरिया सबके लिए सेम होता है, ना कि आपके लिए मेरे लिए डिफरेंट हो, सबके लिए सेम होगा जो भी उस पेपर में दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गई इस हवाले से बात कि यार आपको ज़बरदस्ती फेल तो नहीं किया जाता, नहीं बिल्कुल नहीं किया जाता।